गोकुलवासी श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में जाने जाते हैं तथा शांत और सरल स्वभाव कृष्ण के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इनका एक रूप ऐसा भी था जिनकी वजह से भगवान शिव ने उनका वध भी किया था। इस तथ्य पर विश्वास करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये सच उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ऐसा क्या किया था सुदामा ने जिस कारण भगवान शिव को विवश होकर उनका वध तक करना पड़ा। हम आपको बता दें कि स्वर्ग के विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा निवास करते थे। विराजा को कृष्ण से प्रेम था, लेकिन सुदामा स्वयं विराजा को प्रेम करने लगे थे। और एक बार जब विराजा और कृष्ण प्रेम में लीन थे, तब स्वयं राधा जी वहां प्रकट हो गईं और उन्होंने विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इसके बाद किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी श्राप दे दिया, जिससे उन्हें गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। जिंदगी खत्म होने के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षसराज दंभ के यहाँ शंखचूड़ में हुआ था और विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। माँ तुलसी से विवाह के बाद शंखचूर्ण उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौटा है और कहा जाता है कि शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और उन्होंने शंखचूर्ण की रक्षा के लिए उन्हें एक कवच भी दिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।